क्या आपने कभी इतिहास में वो घटना पढ़ी जब राव अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के बड़े दरबार में बादशाह के रिश्तेदारों की गर्दनें काट दी थी और सिंह गर्जना करके लाल किले की दीवारों को रक्त से लाल कर तपा दिया था। शायद आपने यह नाम भी पहली बार सुना हो, क्योंकि हमारी स्कूली किताबों में यह महान किस्से नहीं पढ़ाए जाते। कौन थे अमर सिंह राठौड़, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारे वीरों का इतिहास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साल सन 1640 के आसपास का समय था। शाहजहां की हुकूमत के दौर में जोधपुर के महाराजा गज सिंह ने अपने छोटे कुंवर जसवंत सिंह को जोधपुर राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस पर महाराजा के बड़े कुंवर अमर सिंह राठौड़ नाराज होकर दरबार छोड़कर चल दिए। कुंवर अमर सिंह कई सालों तक जोधपुर के रेतीले रेगिस्तान में घूमते रहे और अंत में दिल्ली के मुगल दरबार में शाहजहां के पास जा पहुंचे। शाहजहां जो अमर सिंह की वीरता और उनके गुस्सेल स्वभाव से भली प्रकार से परिचित थे, इस कारण बादशाह ने अमर सिंह को अपनी सेवा में रख लिया और उसे जोधपुर दरबार का नागौर ठिकाना स्वतंत्र राज्य के रूप में दे दिया। अमर सिंह के नागौर ठिकाने के पास ही राठौड़ों का एक और राज्य था, बीकानेर। बीकानेर राज्य पर करण सिंह राठौड़ की हुकूमत थी। महाराजा कर्ण सिंह कट्टर स्वभाव के हिंदू थे। उन्होंने एक समय मेवाड़ को छोड़कर राजपुताने के समस्त राजाओं को औरंगजेब के हाथों मुस्लिम होने से बचा लिया था। उन दिनों नागौर और बीकानेर राज्य की सीमाओं के बीच में जाखणिया नामक एक गांव पड़ता था। ईस्वी सन 1644 में इस गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने भयंकर युद्ध का रूप ले लिया, जिससे दिल्ली का मुगलिया दरबार भी थर्रा उठा। हुआ यूं कि जाखणिया गांव के किसान के खेत में तरबूज की बेल लगी। ये बेल फैलकर नागौर राज्य की सीमा में जा पहुंची और फल भी उधर ही लगे। बेल लगी तो बीकानेर में, पर फल दिया नागौर में। अब इस फल पर किसका अधिकार होगा, इसे लेकर दोनों राज्यों की सेनाएं आमने सामने उतर आई। ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि दोनों तरफ के कई सौ सिपाही मारे गए। उन दिनों बीकानेर के राजा कर्ण सिंह और नागौर के राव अमर सिंह राठौड़ दोनों ही शाहजहां के दरबार में आगरा में थे। इस कारण दोनों राज्यों के सेनापतियों ने अपने अपने राजा को राज्य में हुए युद्ध का पैगाम भिजवाया। अमर सिंह ने अपने सेनापति से कहा कि वे तुरंत सेना लेकर जाए और जाखणिया गांव पर अधिकार कर ले। सेनापति ने ऐसा ही किया। जब ये बात बीकानेर के राजा कर्ण सिंह को ज्ञात हुई तो उन्होंने अपने सेनापति को नागौर ठिकाने पर हमला करने के लिए भेजा। अमर सिंह के सेनापति केसरी सिंह ने बीकानेर की सेना का सामना किया, परंतु बीकानेर की सेना भारी पड़ी और नागौर के कई सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। बीकानेर के विशाल राज्य की सेना के सामने नागौर की छोटी सी सेना परास्त हो गई। बीकानेर के राजा कर्ण सिंह ने अपने राज्य में हुए इस युद्ध की सारी बात शाहजहां को बता दी। राव अमर सिंह राठौड़ ने भी बादशाह को सारी बात बतानी चाही तथा उससे छुट्टी लेकर नागौर जाना चाहा। इसलिए अमर सिंह ने बादशाह के रिश्तेदार सलाबत खान से कहा कि वो तुरंत बादशाह से उनकी बात करवाए। किंतु शाहजहां ने पहले से ही सलाबत खान को बोल रखा था कि अमर सिंह अगर मिलने आए तो उसे मेरे पास मत भेजना। जब कई दिनों तक सलाबत खान ने अमर सिंह की बात बादशाह से नहीं करवाई तो एक दिन अमर सिंह सलाबत खान की अनुमति के बगैर ही भरे दरबार में शाहजहां के सामने आकर खड़े हो गए, जिस पर सलाबत खान ने राव अमर सिंह को गवार कहकर उनको भरे दरबार में अपमानित किया। राव अमर सिंह राठौड़ बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वह मुगलों के मुंह से अपना अपमान सहन नहीं कर सके, जिस पर उन्होंने भयानक क्रोध में आकर अपनी कटार निकाली और सलाबत खान की गर्दन बादशाह के सामने ही काट डाली।
उसी समय शाही सिपाहियों ने अमर सिंह को घेर लिया। जब अमर सिंह चारों तरफ से मुस्लिम सिपाहियों से गिर गए तो अमर सिंह ने तुरंत हर हर महादेव का नारा देते हुए मुगल दरबार में सिंह गर्जना की। अमर सिंह के मुख से निकली हुई सिंह गर्जना को सुन दरबार में उपस्थित अलग अलग राज्यों के समस्त राजपूत सिपाही अपनी तलवारें सूदकर अमर सिंह के साथ आकर खड़े हो गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से तलवारें चलने लगी और शाही सैनिक हिंदू योद्धाओं के हाथों से कट कट कर फर्श पर गिरने लगे। शाहजहां की आंखों के सामने उसके भरे दरबार में राजपुत्रों का रुद्र रूप देखकर वो सकते में आ गया। एक पल के लिए तो उसे लगा कि मुगल सत्ता अब उसके हाथ से निकल गई, क्योंकि इस समय दरबार में मुस्लिम से ज्यादा राजपूत सिपाही थे। उसने स्वप्न में भी कभी इस दृश्य की कल्पना नहीं की थी कि उसके दरबार में उसकी आज्ञा से चलने वाले राजपूत उसके सामने तलवारें निकाल कर खड़े हो जाएंगे। मुगलिया सल्तनत तो इन्हीं राजपूतों के बल पर टिकी थी। इतनी बड़ी सत्ता वाले यह राजपूत अगर इनके खिलाफ अपनी अपनी सेना ही खड़ी कर देते तो मुगल कभी इस कदर दिल्ली में बैठकर भारत की हुकूमत तय नहीं करते। थोड़ी ही देर में आगरा का किला मुगलों और राजपूत सिपाहियों के रक्त से लाल हो चुका था। अमर सिंह राठौड़ तथा उनके सैनिक शाहजहां की फटी आंखों के सामने से ही सही सलामत निकलकर लाल किले के मुख्य दरवाजे की तरफ चले आए। इतिहास का एक मत यह भी है कि अमर सिंह राठौड़ लाल किले से निकलकर मेवाड़ की तरफ बढ़ गए। अगले दिन अदालत में मुगलों के बादशाह ने घोषणा की कि जो मुगल सिपाही अमर सिंह को मारेगा उसे जागीरदार बना दिया जाएगा। हालांकि कोई भी मुगल सिपाही अमर सिंह राठौड़ के साथ दुश्मनी मोल लेने को तैयार नहीं था। जिसके बाद कुंवर अर्जुन सिंह, जो अमर सिंह जी के साले थे, उसने लालच में आकर अमर सिंह राठौड़ को मना कर मेवाड़ से दिल्ली दरबार में ले आए। दिल्ली दरबार में शाहजहां के आदेश से दोनों को बांध कर मार दिया गया। इस तरह एक हिंदू ने ही दूसरे हिंदू को मरवा दिया और अंत में खुद भी मारा गया। औरंगजेब इस समय 26 साल का था और संयोगवश वह भी अपने पिता के दरबार में मौजूद था। ऐसा ही हाल औरंगजेब का एक बार फिर तब हुआ जब मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होकर सिंह गर्जना करने लगे। तब औरंगजेब को कुंवर अमर सिंह वाला वही दृश्य याद आया होगा और उसने राजपुत्र के सिंह गर्जना पर खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझी होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, अमर सिंह राठौड़ के इतिहास का यह वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।